वीआरडी यूआईटी फेसथर थाना पुलिस ने आज बुधवार को अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध हथियार तस्कर सुखदेव सिंह रायसिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सुखदेव सिंह से 11 अवैध हथियार सहित 16 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये हथियार तस्कर अलवर जिले के गोविंदगढ़, रामगढ़, अलवर शहर किशनगढ़ बास, बिजारा, भिवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्र में लोकल बदमाशों को अवैध हथियार सप्लाई करने का काम करता है। इस बदमाश पर पहले भी अवैध हथियार रखने और बेचने के मामले दर्ज हैं और उस मामले में गिरफ्तार भी हो चुका है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अवैध हथियार तस्करी के कई मामलों के बारे में खुलासा भी किया है। भिवाड़ी पुलिस जिला एसपी करण शर्मा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यूआईटी फेसथर थाना अधिकारी सचिन शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भिवाड़ी के यूआईटी थाना इलाके के कैपिटल मॉल के पास अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त व हथियार बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये लोग भिवाड़ी में बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वाले हैं, जिससे हत्या, लूट, डकैती व फिरौती मांगने जैसी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत ही टीम का गठन किया और बदमाशों की तलाशी के लिए भेजा। पुलिस टीम यूआईटी थानाधिकारी सचिन शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची तो मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति कैपिटल मॉल के पास घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसने अपनी पीठ पर एक बैग लटका रखा था। वो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसको धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम सुखदेव पुत्र जोगेंद्र सिंह राय सिख अलघाना गोविंद करता रहने वाला बताया। पुलिस के द्वारा जब बैग को खोलकर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें अवैध हथियारों का जखीरा मिला, जिसमें 3 अवैध देसी पिस्टल, 1 एक्स्ट्रा खाली मैगजीन व 7 देसी कट्टे और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी सुखदेव सिंह ने बताया कि वह ये सभी अवैध हथियार यूपी व अलवर के एक व्यक्ति से खरीद कर लाया है और भिवाड़ी में बदमाशों को बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। भिवाड़ी में वो हथियार खरीदने वालों के इंतजार में खड़ा था। सुखदेव सिंह ने बताया कि वह पहले भी एक तस्कर को करीब 120 जिंदा कारतूस, 10 देसी कट्टे व 4 पिस्तौल बेच चुका है और उससे देसी पिस्टल, कट्टे व कारतूस भी उसने खरीदे हैं। अवैध हथियार तस्कर आरोपी सुखदेव सिंह अवैध हथियारों की तस्करी कर मोटा मुनाफा कमाता है और ये हथियार राजस्थान व यूपी के इलाकों से कम दामों में खरीदकर अलवर जिले में अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाता रहा है। इस पूरी वारदात को ट्रेस करने और खुलासा करने में मुख्य रूप से यूआईटी थाना अधिकारी सचिन शर्मा, थाने के हेड कांस्टेबल सत्यपाल और कांस्टेबल बलराम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आईजीपी रेंज जयपुर उमेश चंद दत्तात्रेय के निर्देशन में एक रेंज स्तरीय अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हथियारों के इलीगल जो बैठते हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उस पर अपने एएसपी सिटी सुजीत शंकर के सुपरविजन में फुलवाड़ी फेज 3 थाना द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 हथियार और कार्टिजेज बरामद किए, 16 कार्टिजेज वो बरामद किए हैं। उनमें 8 देसी कट्टे हैं और 3 पिस्टल हैं, इंडियन मेड पिस्टल है। इस संबंध में हमने ये सूचना प्राप्त हुई थी भिवाड़ी फेज 3 SHO सचिन शर्मा को कि एक व्यक्ति है सुखदेव राय सिख है, जो गोविंदगढ़ इलाके का रहने वाला है और यहाँ किसी को डिलीवर करने वाला है हथियार। कैपिटल मॉल के पास उन्होंने उसको पकड़ा, जिस पर तलाशी के दौरान ये हथियार बरामद किए थे। इससे पूछताछ जारी है, पूछताछ अभी तक यही सामने आया कि इसने कुछ हथियार अलवर से और कुछ यूपी से खरीदे हैं। आगे ये जिसको डिलीवरी देने वाला था या जिससे खरीद कर लाया उसके बारे में अभी इससे पूछताछ चल रही है। जल्दी और भी लोगों का पता चलेगा। एक काफ़ी बड़ी गैंग हमें लग रही है जो इससे जुड़ी हुई है, उसके बारे में अलग से तफ्तीश कर रहे हैं। पूछताछ में जब सामने आया वो लगभग इससे पहले भी कहीं डिलीवर कर चुके हैं या ये पहली बार आए थे? अभी हमने इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया था तो गोविंदगढ़ में इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में ही पहले भी एक मुकदमा दर्ज हो रखा है, तो ये पूर्व से ही अभ्यस्त है जो इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है। तो नो डाउट के इसने और भी कई जगह तक डिलीवरी की होगी, तो उसके बारे में अभी जांच जारी है। जो ये हथियार है, अगर उनकी मार्केट की कीमत बात करें तो क्या आपकी कीमत कितने की होगी? ये कितने महंगे हैं या सब बहुत ज़्यादा सस्ते हैं जिनको कोई भी खरीद लेता? नहीं, जहाँ तक देसी कट्टे की है तो वो 4-5 हज़ार से 8 हज़ार तक की कीमत पर मार्केट में मिल जाता है और जो देसी पिस्टल है वो 10 हज़ार रुपये तक की कीमत में मार्केट में ये बेचते हैं। बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो वो कहीं राजस्थान या अलवर के आसपास बनाए जा रहे हैं या यूपी से ये मैन्युफैक्चर करे ग्राइंड लेकर जाते हैं कंपनी? जो अभी तक हमारी पूछताछ हुई है उसमें इसने यही बताया कि अलवर से किसी से इसने लिए हैं, जो अभी हम लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिससे पूछताछ चल रही है
और आइडेंटिफाई हुआ है उसके बारे में हम अभी बताना ठीक नहीं है, कार्रवाई करेंगे जल्दी हम तो, और बाकी यूपी से लाना ये बता रहा है तो उसके बारे में भी हम लोग पकड़े गए। आरोपी कह सकते हैं कि सिर्फ सप्लायर है पहले, अभी तक की जांच से तो यही आया। तो इस काम पहले भी इसके खिलाफ मुकदमे हैं आर्म्स एक्ट में, तो ये कई सालों से इस तरह के ही धंधों में लिप्त है। इस बात में सामने आया हो कि इसने कहां कहां हथियार सप्लाई किए हैं अभी तक? वो अभी इतनी डिटेल पूछताछ हुई नहीं है, जल्दी हम पूछताछ करके बताएंगे। सर, इतने बड़े हथियारों का जखीरा पकड़े जाने के बाद एक सवाल उठता है, जाहिर सी बात है, इससे पहले भी कई बार इतने बड़े जो जखीरा है हथियारों को पकड़ा जा चुका है, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो क्षेत्र है जहां सप्लाई करने वाला था वो इस मामले में कुछ ज्यादा बड़ा जो कल है वो बनता जा रहा है, या खरीदार ज्यादा है, और अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या किस कारणवश हो सकती है जो इतने हथियारों की जरूरत भिवाड़ी क्षेत्र में हो सकती है? नहीं, जैसा कि अभी काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि काफी लोगों के पास हथियार बरामद हो रहे हैं, जब भी किसी की तलाशी लेते हैं संदिग्ध लोगों की तो बरामद हो रहे हैं, तो काफी लोग रखने लग गए हैं हथियार। पुलिस की निगरानी और तत्परता से जो कार्रवाई अब लोग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि कुछ दिन पहले ही काफी हथियार पकड़े गए थे और अब भी पकड़े, तो उस तरह से हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। इस तरह के जो क्राइम करने वाले हैं उनके अगेंस्ट हम लोग करते रहेंगे। यूं तो देखिए सर, अलग अलग एंगल हो सकते हैं, लेकिन जब दिनों की फायरिंग भिवाड़ी में हुई है, बीच में कुछ समय तक शांति भाव थी, लेकिन एकदम ये जो घटना हुई है इसको ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि कहीं किस तरह के जो हथियार जो सप्लाई किए जाते हैं किस तरह के काम में भी कहीं संलिप्त पाए जा सकते, कोई ऐसे साथ जुड़ते? अरे, उसके जो फायरिंग की बात आप लोग कर रहे हैं जो यहाँ हुई थी अपने सूरज सिन्हा के पास में, उसके बारे में हमने वर्कआउट कर लिया है, जो जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों को नामजद भी कर लिया है, और उनसे तो उनका रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग भी कुछ लोग उनमें बाहर के हैं, कुछ हरियाणा के यूपी के लोग हैं, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी उसमें भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अवैध हथियारों की सप्लाई से इस चीज़ में हमने इसलिए पूछा है कि अक्सर इस तरह की वारदात में जो हथियार जो प्रयोग में लिए जाते हैं वो किसी ही तरह के होते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसी तरह के संगठन या इनके द्वारा किसी भी सूरत में कहीं इस तरह से सप्लाई की गई हो, क्योंकि इसलिए आसानी से हथियार उपलब्ध होना एक बड़ी बात है। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन फिर भी अगर यूपी में और एमपी के कुछ एरिया में बहुत आसानी से ये हथियार मिल जाते हैं, ज़्यादातर लोग वहीं से, हमारी जितने अब तक हम लोगों ने हथियार पकड़े हैं और उनसे पूछताछ हुई है उसमें यही बात आई है कि एक पर्टिकुलर लोग सिक्लीवर हैं वो वहाँ बना रहे हैं और उनसे ही ये लोग खरीद कर लाते हैं। कॉमन सी बात है सर, एक किसी भी युवा का इस तरह के हथियारों या अवैध गतिविधियों में संलिप्त होना कितना बड़ा चिंता का विषय है? नहीं, मैं तो यही आपके माध्यम से अपील करना चाहूँ कि ये अपराध का ऐसा रास्ता है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, अगर जो लोग इससे जुड़ रहे हैं और इस तरह का हथियार रखकर, उस वक्त हो सकता है वो लोग अपने आप को गुंडा समझें या गुंडों का सरदार समझें, लेकिन बाद में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है और जिंदगी बाकी की जिंदगी उनकी खराब हो जाती है। इस तरह का लांछन उनके ऊपर लग जाता है तो फिर बाकी जिंदगी वो इसी तरह के लांछन को लेकर जीते हैं, तो मैं यही अपील करूंगा सबसे कि इस तरह के उनमें क्राइम के साथ ना जुड़ें और अपना अलग भविष्य खराब ना करें इस तरह से।